हेलो बच्चों, बायोलॉजी में हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स अभी पढ़ चुके हैं। आज हम स्टार्ट करें यूनिट नंबर 8, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो इसमें आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 8, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। ठीक है, ये देखिए आपका चैप्टर नंबर 8 जो है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस। तो इसमें हमको हेल्थ और डिसीजेस के बारे में पढ़ना है। देखिए, कोई भी ह्यूमन बीइंग ऐसा नहीं होगा अपने अपने आसपास जो कभी भी बीमार ना पड़े, है ना। कभी ना कभी किसी ना किसी कारण से हर कोई बीमार पड़ता ही है। तो पुराने समय में लोग ये सोचते थे कि जब कोई बीमार पड़ रहा है तो हो सकता है कि ये कोई मतलब एविल स्पिरिट है, या किसके कारण इन्हें अंधविश्वास थे कि भाई ये देवी देवताओं का प्रकोप है या इस टाइप से। लेकिन जैसे जैसे मेडिकल साइंस ने तरक्की करी तो आज हम बीमारियों के कारण और ट्रीटमेंट को अच्छी भली भांति जानते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में देखिए हेल्थ और डिसीज़, तो डिसीज़ होती क्या है? डिसीज़ को हम नॉर्मली क्या बोल सकते हैं? अ डिसऑर्डर इन द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन ड्यू टू एनी रीज़न। मतलब बॉडी ऑर्गन के जब प्रॉपर फंक्शनिंग में कोई भी डिस्टर्बेंस आता है किसी भी कारण से, तो वो क्या होगी? डिसीज़। यदि हमारे बॉडी ऑर्गन प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं तो हम हेल्दी हैं। ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, हेल्थ क्या है? इट इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब जब आप फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली भी क्या हो, आपका जो बिहेवियर है वो वेल है और कोई भी डिसीज़ आपको नहीं है। तो फिजिकल हेल्थ में क्या आ जाएगा? नॉर्मल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम। तो फिजिकल हेल्थ को डिटरमाइन करना बहुत इजी होता है, बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिससे आप पता लगा सकते हैं कि हम फिजिकली हेल्थी है या नहीं। लेकिन मेंटल हेल्थ को मेज़र करना थोड़ा सा डिफ़िकल्टी और सोशल को और ज़्यादा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि कैसे डिसीज़ होती हैं और हम एक जो हेल्दी पर्सन है वो कैसे डिसीज़ उसको होगी, क्या कारण हो सकते हैं और कौन कौन से डिसीज़ होती हैं। ठीक है, तो ये हम देखेंगे। सबसे पहले हेल्थ, तो अभी आपको बताया कि हेल्थ इज़ अ डिफाइंड एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक, व्हेन पीपल आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट एट वर्क। यदि कोई हेल्दी पर्सन है तो वो अपना काम बहुत अच्छे से कर पाता है, एफिशिएंट होता है अपने वर्क में, उसकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ती है एंड ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। मतलब जब वो प्रॉपरली काम करेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और उससे उसकी इकोनॉमिक जो स्थिति है वो भी अच्छी रहेगी। हेल्थ ऑल्सो इंक्रीजेज लॉन्ग लाइफ एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मैटरनल मोर्टिलिटी। यदि हेल्थ अच्छी है तो वो लंबा जीवन जिएगा और साथ ही साथ जो इन्फेंट और मैटरनल मोर्टिलिटी का रेट है, यानी मातृ की मृत्यु दर और बच्चों की जो मृत्यु दर है एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो वो भी क्या होती है? कम होगी। गुड हेल्थ इज़ मेंटेन्ड बाय बैलेंस्ड डाइट, पर्सनल हाइजीन एंड रेगुलर एक्सरसाइज। तीन चीज़ें यदि आप प्रॉपरली करते हैं, मतलब एक बैलेंस्ड डाइट लेते हैं प्रॉपर, पेट भरना नहीं, बैलेंस्ड डाइट जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर मात्रा में हो, जो हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सारी चीज़ें प्रॉपर होनी चाहिए, बैलेंस्ड डाइट। पर्सनल हाइजीन, यदि आप अपना ध्यान रखते हो पर्सनल हाइजीन का, बाथ लेना, ब्रश करना, हेयर वॉश, तो ये सारी चीज़ें पर्सनल हाइजीन आप मेंटेन रखते हो, और रेगुलर यदि आप एक्सरसाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी रहेगी। आप एक गुड, हमेशा हेल्दी क्या रहोगे? अच्छे से रहोगे, बीमारियां आपको जल्दी नहीं घेरेंगी। ठीक है, तो ये पूरा जो है वो क्या है? हेल्थ है। अब हेल्थ इज़ अफेक्टेड बाय, देखिए हेल्थ को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती है। तो सबसे पहले जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर मतलब क्या होता है? जो जन्म से ही जीन्स के द्वारा ही हमारे अंदर आए हुए हैं, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। जेनेटिक डिसऑर्डर के लिए यदि वो हमारे पेरेंट्स में है कोई डिसऑर्डर और यदि वो बच्चों में आ रहे हैं तो वो आएंगे ही आएंगे। फिर दूसरा है इन्फेक्शंस, है ना। तो इन्फेक्शन बहुत सारी चीज़ों से फैलते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, मतलब कोई भी यदि बायोलॉजिकल एजेंट या पैथोजन है
तो वो इन्फेक्शन फैलाता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, माइकोप्लाज्मा, हेलमिंथिस, कोई भी इन्फेक्शन फैला सकते हैं। लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग डाइट, रेस्ट एंड एक्सरसाइज। यदि प्रॉपर डाइट हम नहीं ले रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। रेस्ट नहीं कर रहे हैं प्रॉपर, बहुत ज़्यादा वर्क करे जा रहे हैं तो हमारी हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। यदि एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली। मतलब यदि कोई ड्रग ले रहा है, कोई अल्कोहल ले रहा है, तो वो भी अपनी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है। डिसीजेज आर ग्रुप्ड इनटू इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। डिसीजेज को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक इन्फेक्शियस डिसीजेज होती है, कंटेजियस भी बोलते हैं इनको, या कम्युनिकेबल भी बोल सकते हैं, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। इन्फेक्शियस डिसीजेज कंटेजियस या कम्युनिकेबल, और नॉन इन्फेक्शियस या नॉन कंटेजियस या नॉन कम्युनिकेबल, जो कि एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। डिसीजेज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर आर कॉल्ड इन्फेक्शियस। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इजिली ट्रांसफर होती है वो कहलाती है इन्फेक्शियस डिसीजेज, और जो नहीं होती वो कहलाती है नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कैंसर इज द नॉन इन्फेक्शियस दैट कॉज डेथ। मतलब कैंसर एक बहुत हम मानते हैं कि भयंकर बीमारी है, उसमें डेथ भी हो जाती है लोगों की, और वो उसका ट्रीटमेंट भी बहुत टिपिकल है, लेकिन वो एक से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती। यदि एक व्यक्ति को कैंसर है, आप उसके साथ रह रहे हैं, ठीक है ना, उसके कांटेक्ट में है, तो आपको ऐसा नहीं कि कैंसर फैल जाएगा, तो वो एक नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ है। लेकिन बहुत सारी डिसीज़ क्या होती है जो एक से दूसरे में इजीली ट्रांसमिट हो जाती है। अब इसके अलावा देखिए और कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, जैसे कि केमिकल एजेंट, यूरिया, यूरिक एसिड, टोबेको। यदि कोई टोबेको यानी तम्बाकू खा रहा है, फिर उसके बाद पॉल्यूटेंट्स, पॉल्यूशन के जरिए जो हमारी बॉडी में जा रहे हैं पॉल्यूटेंट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, पॉलन ग्रेन है, स्पोर्ट्स है, इंसेक्टिसाइड, ये सब भी हमारी हेल्थ पे इफेक्ट डालते हैं। फिर हीट, कोल्ड, ह्यूमिडिटी और इलेक्ट्रिसिटी, इनका भी हमारी बॉडी पे इफेक्ट पड़ता है, बहुत ज़्यादा गर्मी का, बहुत ज़्यादा सर्दी का, ह्यूमिडिटी का। फिर इसके अलावा कुछ मैकेनिकल एजेंट, जैसे कि इंजरी हो गई किसी को, कोई गिर गया है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, डिसलोकेशन, तो ये भी हम क्या करते हैं, बीमारी फैलाते हैं या हमारी जो फिज़िकल फिटनेस है उसको अफेक्ट करते हैं। फिर कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, प्रोटीन, वो तो डाइट में आ ही रहा है, और कुछ अदर फैक्टर्स जैसे हार्मोन्स और एंजाइम के कारण भी बीमारियाँ होती हैं। अब देखिए कॉमन डिसीजेज इन ह्यूमन, ये हमको पढ़नी है। तो सबसे पहले आप एक डेफिनेशन देखिए, जैसे मैंने पहला वर्ड बोला था कि बायोलॉजिकल एजेंट या पैथोजन बीमारी फैलाते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। तो ऑर्गेनिजम्स बिलोंगिंग टू बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, प्रोटोजोआ, हेलमिंथिस एक्सेट्रा कुड कॉज डिसीज इन मैन। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। इनको कंबाइंडली, भले ही वो बैक्टीरिया हो, वायरस हो, फंगस हो या प्रोटोजोआ हो, कोई भी हो, यदि वो डिसीज फैला रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन। आ रहा है समझ में, ये पूरा डेफिनेशन है इसका, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड पैथोजन्स, या डिसीज कॉजिंग एजेंट्स आर कॉल्ड पैथोजन्स। इनको कंबाइंडली हम क्या बोल रहे हैं, पैथोजन। यदि हमने बोला कि ये टाइफाइड का पैथोजन है, साल्मोनेला टाइफी, तो अब वो कौन है, वो डिसीज उसके कारण फैल रही है, ठीक है, भले ही वो बैक्टीरिया है या वायरस से कोई बीमारी हो रही है, तो हम उसको पैथोजन बोल सकते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं पैथोजन। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे कुछ कॉमन डिसीजेस ह्यूमन में होने वाली। तो यहाँ पर हम अलग अलग देखेंगे, जैसे अभी हमने देखा कि डिसीज़ दो प्रकार की होती है, कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल, ठीक है। तो जो कम्युनिकेबल डिसीजेज हैं या इन्फेक्शियस डिसीजेज हैं, वो फैलती हैं किनके कारण, या तो वायरस से, या बैक्टीरिया से, या प्रोटोजोआ से, या हेलमिंथिस से, या फंगस से। तो अब हम इनको एक एक करके देखते हैं। पहले हम देख रहे हैं डिसीजेस कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, ठीक है, किसके द्वारा होने वाली डिसीजेस, बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेस हम सबसे पहले देखेंगे। याद रखना, सबसे पहले हम किसके द्वारा होने वाली देख रहे हैं, बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु, जीवाणु, विषाणु, इन सब में अंतर है। और ये जो हमने बोला ना पैथोजन, पैथोजन को हिंदी में हम बोलते हैं रोगाणु। कोई भी रोग पैदा करने वाला जीव क्या कहलाता है, रोगाणु, ठीक है। तो पैथोजन यानी रोगाणु, अब वो रोगाणु कुछ भी हो सकता है,
वो जीवाणु हो सकता है, वो विषाणु हो सकता है, यानी कि वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, विषाणु यानी वायरस, कवक मतलब फंगस, प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ और हेलमेंथिस, तो ये कुछ भी हो सकते हैं। तो बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, वायरस मतलब विषाणु, और पैथोजेंस जो डिसीज कॉजिंग एजेंट है वो रोगाणु। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे बैक्टीरिया से होने वाली डिसीजेज, जो कि आपको देखिए कौन कौन सी दी हुई है। पहली दी हुई है टाइफॉइड। ठीक है, बैक्टीरिया से होता है टाइफॉइड। तो टाइफॉइड के बारे में आप सबने वैसे भी सुना ही होगा, और हो सकता है कि कभी ना कभी किसी को हुआ भी होगा टाइफॉइड। तो टाइफॉइड जो है, इसका जो पैथोजन है, देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैथोजन है ना, टाइफॉइड का जो पैथोजन है वो है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। ये देखिए, ये साल्मोनेला टाइफी, ये बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया। इसे हम क्लिनिकली एंटरिक फीवर भी कहते हैं, टाइफॉइड को साल्मोनेला टाइफी से ये होता है। और ये जो बैक्टीरिया है, ये स्मॉल रॉड शेप्ड के मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं, और ये टाइफॉइड नाम इसी के बैक्टीरिया के नाम पे ही पड़ा है, साल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है तो उसका नाम रख दिया टाइफॉइड। टाइफॉइड इज़ एन इन्फेक्शन ऑफ इंटेस्टाइन, ऑर्गन अफेक्टेड। कौन सा ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और यदि बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है टाइफॉइड, यदि हम टाइम पे इलाज नहीं कराते हैं, तो माइग्रेट टू अदर ऑर्गन्स थ्रू ब्लड, यानी ब्लड के थ्रू दूसरे ऑर्गन्स में भी ये जा सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेन अफेक्ट करता है ये, वो किसको करता है, इंटेस्टाइन को। ओनली एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स आर द कैरियर ऑफ दिस पैथोजन। एनिमल्स और ह्यूमन बींग के द्वारा ही ये पैथोजन फैलता है, और इंटेस्टिनल डिस्चार्ज के द्वारा ये एक से दूसरे में फैलेगा। कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड आर द प्रिंसिपल मीन्स ऑफ स्प्रेड ऑफ टाइफाइड। ठीक है, मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, कंटामिनेशन ऑफ फूड एंड वाटर, यानी यदि आप खाना खुला हुआ, पानी बिना बॉयल किए पी रहे हो, जैसे बारिश के दिनों में जनरली टाइफाइड फैलता है, तो बिना उबले पानी से या बिना फिल्टर्ड पानी से और बिना ढके खाने से, ये इसके मेन कारण है फैलने के। इंक्यूबेशन पीरियड जो है इसका रहता है 7 days टू एज लॉन्ग एज 21 to 23 days, मतलब 7 to 21 दिनों तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड रहता है बैक्टीरिया का, ये अपना पूरा कंप्लीट साइकिल जो है वो करता है। अब देखिए इसके सिम्टम्स कि इसमें कौन कौन से लक्षण हमको दिखाई देते हैं। तो पहला है हाई फीवर, ठीक है, 39 to 40 degrees centigrade हाई फीवर, या जिसको हम बोलते हैं कि फ़ारेनहाइट में 103 to 104, 103, 104 बुखार ऐसा इसमें रहता है। फिर उसके बाद वीकनेस, बहुत ज़्यादा वीकनेस, स्टमक पेन, क्योंकि इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है ये, तो स्टमक में पेन रह सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। ठीक है, फिर पल्स इज स्लो। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, इंटेस्टिनल परफोरेशन में लीड्स टू डेथ, यानी क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया बढ़ जाएंगे तो वो इंटेस्टाइन में परफोरेट कर देते हैं उसको, यानी उसमें छेद करने लगते हैं, और उसके थ्रू ब्लड में आ जाएंगे और दूसरे ऑर्गन्स तक, तो उस कंडीशन में डेथ हो सकती है। लेकिन इतना हम बढ़ने नहीं देते, जैसे ही हमको बुखार आता है तो हम तुरंत डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा और देखिए इसके क्या सिम्टम्स हैं, पल्स स्लो हो जाती है, और रेड कलर इरप्शन और रैशेस ऑन द चेस्ट, यानी चेस्ट के ऊपर रेड कलर के थोड़े से रैशेस दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद जो है, पेशेंट शो इंक्रीज इन इरेटेबिलिटी एंड पुअर एपेटाइट विथ इंक्रीज इन वीकनेस, यानी थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है पेशेंट। और क्या होगा इसमें, जैसे स्प्लीन है, गॉल ब्लेडर है, बोन मेरो, इनके में भी ये बैक्टीरिया जा सकता है जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो। और इसका जो टेस्ट है कि कैसे पता लगाएंगे टाइफाइड हुआ है, तो डायग्नोसिस जो है वो होता है मेड बाय डिटेक्शन ऑफ जर्म्स इन द इंटेस्टिनल डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट, यानी वाइडल टेस्ट जो है इसके लिए होता है। अब इसके बाद है इसका ट्रीटमेंट, है ना, ट्रीटमेंट कैसे लेंगे, तो डॉक्टर जो है इसके लिए बैक्टीरिया से होने वाले डिसीज में एंटीबायोटिक देते हैं। तो देखिए क्या दिया जाता है इसमें, क्लोरेम फेनिकॉल, ये एक दवाई का नाम है,
क्लोरामफेनिकॉल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंटीबायोटिक फॉर टाइफॉइड। ये एंटीबायोटिक दवाई है क्लोरामफेनिकॉल, तो ये दी जाती है टाइफॉइड के लिए। इसके अलावा कॉम्बिनेशन ऑफ ट्राइमेथोप्रीन एंड सल्फामिथॉक्सिओल ये भी दिया जाता है। और इसके अलावा क्लोरोमाइसिटीन ये भी एक एंटीबायोटिक है, इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ की जाती है। तो ऐसे ही एंटीबायोटिक के द्वारा ठीक हो जाता है। और यदि ये नहीं हो तो हमको क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए कि हो ही ना? तो प्रिकॉशन क्या है कि कैसे फैल रहा है ये? स्प्रेड बाय कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड। तो पहला चीज़ ये है, फर्स्ट स्टेप इससे बचने की, कि हाइजीनिक कंडीशन को आप मेंटेन करें, मतलब बॉइल्ड वाटर पिए, फिल्टर्ड वाटर पिए जनरली बारिश के दिनों में, और ढका हुआ खाना खाएं, गर्म करके खाएं खाना, ठंडा खाना ना खाएं, बहुत देर से रखा हुआ ना खाएं। तो ये जो है ऐसे हम इससे बच सकते हैं, ठीक है। और अब तो इसका वैक्सीन भी आ चुका है टाइफॉइड का, बच्चों को लगते हैं वैक्सीन, 5 से 6 साल के बच्चों को इसके वैक्सीन लगा दिए जाते हैं जिससे कि उनको आगे टाइफॉइड ना हो। अब नेक्स्ट जो बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली, अभी हम बैक्टीरिया वाली पढ़ रहे हैं, जीवाणु से होने वाली, वो है निमोनिया, ठीक है। निमोनिया का नाम भी आप सबने सुना होगा, ठीक है। निमोनिया तो ये जो है ये है, ये भी एक इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है यानी पैथोजन है वो है स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, ये दो हैं, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी। और ये क्या करते हैं, इट इज़ द इन्फेक्शियस डिसीज ऑफ लंग्स, ये लंग्स की इन्फेक्शियस जिससे लंग्स में फैलती है। ये देखिए, ऑर्गन अफेक्टेड एल्वियोलाई ऑफ लंग्स, एल्वियोलाई गेट फिल्ड विथ फ्लूइड, मतलब जो एल्वियोलाई होते हैं ना लंग्स के, ये देखिए इनमें पूरा ऐसा लिक्विड भर जाता है। तो जहाँ पर एक्चुअली हम ऑक्सीजन होनी चाहिए, ऑक्सीजन लेते हैं, तो वहाँ पर ये लिक्विड भर जाता है जिससे हमारी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी कम हो जाती है और व्यक्ति को सांस लेने में दिक्कत आती है। निमोनिया में यही होता है, व्यक्ति तेज तेज सांस लेता है तो ये लंग्स को अफेक्ट करता है, ठीक है। अब देखिए इसके मेथड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इनहेलिंग द ड्रॉपलेट एरोसोल रिलीज्ड बाय इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब यदि किसी को निमोनिया है तो वो जो क्या करेगा, यदि वो खांस रहा है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलेगी एरोसोल्स, वो जब हम दूसरा स्वस्थ व्यक्ति के सांसों के ज़रिए अंदर जाएगी तो उसको भी ये हो सकता है, ठीक है। अब इसके जो सिम्टम्स हैं वो क्या है, फीवर, ठंड लगना है ना, चील्स, कफ एंड हेडेक, कफ होना यानी खांसी होना और हेडेक, ये सारे इसके सिम्टम हैं। कफ विथ स्टम, फीवर एंड सडनली कूलिंग ऑफ बॉडी, बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, बॉडी जो है वो ठंडी हो जाती है। एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फिल्ड विथ अ फ्लूइड ड्यू टू विच लीड्स टू प्रॉब्लम इन ब्रीथिंग, मतलब यहाँ पर देखिए जो पूरा एक नॉर्मल एक्सरे होता है वो ऐसा पूरा ब्लैक होता है ना, पूरा ब्लैक ब्लैक दिखता है, लेकिन ये जो वाइट एरिया आपको दिख रहा है कि ये वाइट वाइट दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि इतने एरिया में पूरा ये लिक्विड भर गया है और उस व्यक्ति जो है वो प्रॉपर सांस नहीं ले पा रहा है, क्योंकि जो एल्वियोला है उसमें तो लिक्विड भरा हुआ है और ऑक्सीजन की वो प्रॉपर नहीं ले पा रहा है, तो उसको सांस लेने में क्या होगी, दिक्कत होगी। इसके अलावा हो सकता है शार्प चेस्ट पेन, यानी चेस्ट में उसको पेन हो सकता है। लिप्स एंड नेल बिकम ग्रे टू ब्लूइश इन कलर, जब वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं ले पाएगा, यदि बहुत कम ऑक्सीजन ले रहा है तो उसके जो लिप्स हैं और नेल्स हैं वो ब्लूइश कलर के हो सकते हैं ऑक्सीजन की कमी से। एब्डोमिनल स्वेलिंग आ सकती है इसमें, एब्डोमिनल वाले रीजन में, और ब्लड रेड कफिंग यानी खांसी में ब्लड भी आ सकता है। ये बहुत सेवर कंडीशन में होता है, तो नॉर्मल तो फीवर, चिल्स, कफ एंड हेडेक, ये इसके सिम्टम्स रहेंगे। और उसका जब एक्सरे कराते हैं तो इस टाइप का एक्सरे जो है आता है, वाइट वाइट पैचेस दिखाई देते हैं हमको उसमें, ठीक है। तो ये जो है निमोनिया, ये दूसरी बीमारी है बैक्टीरिया से होने वाली, इसका जो ट्रीटमेंट है, निमोनिया एक थोड़ी सी डेंजरस डिसीज़ है, लेकिन वैसे अब इसके ट्रीटमेंट आ चुके हैं। इसका जो ट्रीटमेंट है वो डिपेंड करता है कि वो कितने सेवेरिटी है उसकी, मतलब कितना फैल चुका है।
और किसके द्वारा फैला है, स्ट्रेप्टोकॉकस या हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इसके लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाती है वो जनरली होती है इरेथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, सल्फोनामाइड। ये सारी एंटीबायोटिक इसके लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। और इससे बचने का तरीका यही है कि यदि किसी को खांसी हो रही है या निमोनिया का कोई पेशेंट घर में है तो उससे दूरी बना के रखे, उसके कॉन्टेक्ट में ना आए, वो खांसते समय अपने मुंह पे रुमाल रखे, और जो दूसरे लोग हैं वो भी मास्क लगा के रखें, रुमाल रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों से हम इनसे बच सकते हैं। तो आज हमने ये देखी है बैक्टीरिया यानी जीवाणु से होने वाले डिसीजेस। तो अब नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी वायरस, फंगस और जो हेलमेंथिस से होने वाले डिसीजेस। थैंक यू।